नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक पर प्राइवेट बैंक कंपनी की दो एटीएम से करीब 7 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। एनएच 101 के किनारे एंडिकेंस कंपनी की एटीएम स्थापित की गई थी, जिसमें दो मशीन लगाए गए थे। दोनों मशीन में 22 जून को 11 लाख रुपए डाले गए थे। मंगलवार की देर रात बारिश का फायदा उठाते हुए चोर एटीएम के दोनों बक्सा काटकर रुपए निकाल लिए हैं। हालांकि एटीएम से कितनी राशि चोरों ने उड़ाई है, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार राय हरदिया चौक पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दिए हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एंडिकेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा अब तक आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन मिलते ही प्राथमिक दर्ज कर ली जाएगी। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत हरदिया चौक है, वहाँ एक ही बिल्डिंग में दो एटीएम है, तो चोरों ने काफ़ी सातिराना चाल चलते हुए, जबकि वहाँ चौकीदार है और चौकीदार वहाँ खड़ा था, गेट भी खुला हुआ था, चौकीदार समझा कि तीन व्यक्ति पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, तो चौकीदार पर निश्चिंत हो गया। थोड़ी देर के बाद एक बोलेनो गाड़ी आके व्हाइट टंकी रुकी, तो जब उसमें से तीन व्यक्ति निकले तो चौकीदार को शंका हुआ, तो रोकने का प्रयास किया, तो वहाँ से गाड़ी भागी। फिर थाना अध्यक्ष को बताया गया चौकीदार के द्वारा, मोहम्मदपुर में जांच के लिए उनको रोकने का प्रयास किया गया। मोहम्मदपुर में गश्ती दल को धक्का देते हुए वहाँ से भागे, आगे बरौली का चेकिंग चल रहा था, फिर वहाँ से वापस भागे और मधुबनी गाँव में घुसकर वो गायब हो गया। अभी तक ये आया है जाँच के क्रम में। ऐसे वायरल वीडियो की पुष्टि झलको गोपालगंज नहीं करता है।